हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश आर्टिस्ट आरके आज सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत और इजी ड्राइंग लेकर आया हूँ, फॉरेस्ट विथ लायन। तो इसमें मैंने कैमलिन का एक कलर पेंसिल का यूज किया है, कलर पेंसिल से मैंने आउटलाइन किया है। तो आप देख रहे हो कि कलर पेंसिल से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ और बहुत ही इजी तरीके से पहले ट्री बनाना है। ट्री बनाते हुए एक जंगल का लुक देना है। तो ये बिगनर्स के लिए मैंने बनाया है बहुत सिंपल वे में। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और एक खूबसूरत जंगल का सीन बनाना सीखिए। जंगल में एक शेर है, इस शीर्षक पे कैसे ड्राइंग बनाया जाए आप इसे देख सकते हैं। शुरू से अंत तक अगर आप इस ड्राइंग में बने रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, तो एक खूबसूरत ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ एक कैमलिन का कलर पेंसिल यूज किया है, एक मार्कर और आर्ट पेपर। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ और बनाने की कोशिश करो और इजी वे में इस कंपोजिशन को बनाना सीख जाओगे। एक जंगल में शेर दिखाना है तो मैं कैसे इसको कंपोज करूं, कैसे ड्रॉ करूं? तो बहुत ही आसान ड्राइंग है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा खूबसूरत वीडियो का नोटिफिकेशन इजी वे में मिलता रहे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए इजी ड्राइंग लेकर आता रहूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे सकते हो, मैं उसे देखकर बनाने की कोशिश करूँगा और आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे हो कि कितना इजी वे में कंपोजिशन तैयार होता जा रहा है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप स्केचिंग करते जाएंगे। और कलर पेंसिल इसलिए मैं यूज करता हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि स्केचिंग आप देखकर बना सको। इसके बाद स्केचिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें मैं ब्लैक आउटलाइन मार्कर से करूँगा हाईलाइटेड, ताकि और आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहें और एक खूबसूरत ड्राइंग बनाना सीखें। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और खूबसूरत लेकर। तब तक इस वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए और एक खूबसूरत ड्राइंग बनाना सीखिए।